पर्दे के पीछे गठबंधन चल रहा था कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, वो भी मेरे को लगता है खुल के दोनों साथ आके ये जो है लिव इन रिलेशनशिप बंद होगा और एक फॉर्मल मैरिज इनकी देखने को पंजाब में भी मिलेगी। ये तो हर तिनके का सहारा ढूंढ रही है आज आम आदमी पार्टी। मैं समझता हूँ आप देखिए आगे कौन कौन से कैंडिडेट बदले जाते हैं। अभी तो आप जलंधर की बात कर रहे हैं और मैं राघव चड्ढा जी की बात कर रहा हूँ। अभी भी साथ बिछरी है साहब। देखिए 8 सीटें उन्होंने डिक्लेयर की हैं। मैं इतना आपको बता सकता हूं भी ये 8 सीटें फाइनल नहीं है। भगदड़ मची हुई है आम आदमी पार्टी में। इन 8 कैंडिडेट्स को लेके जिस किस्म का लोगों के सामने से रिएक्शन आया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे बदले जाएंगे। एक बार फिर से ये जो अभी तक पर्दे के पीछे गठबंधन चल रहा था कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, वो भी मेरे को लगता है खुल के दोनों साथ आके ये जो है लिव इन रिलेशनशिप बंद होगा और एक फॉर्मल मैरिज इनकी देखने को पंजाब में भी मिलेगी, ये मैं बता सकता हूं आपको। आपको लगता है कि एक चेंज होगी टिकट? अब देखिए लगता है साहब, हालात जो बता रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से जो रिएक्शन आ रहा है इन 8 उम्मीदवारों को लेके, उससे भगदड़ मची हुई है। अब इतने सारे प्रेशर केजरीवाल साहब के ऊपर, ईडी का प्रेशर, अब जल बोर्ड का मसला आ रहा है, शराब का मसला आ रहा है, आपने जैन साहब का भी मसला बताया, तो एक एक करके मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो हर तिनके का सहारा ढूंढ रही है आज आम आदमी पार्टी। जलंधर के कैंडिडेट का नाम आ रहा है बीजेपी में? मैं समझता हूं आप देखिए आगे कौन कौन से कैंडिडेट बदले जाते हैं। अभी तो आप जलंधर की बात कर रहे हैं और मैं राघव चड्ढा जी की बात कर रहा हूं कि अब देखिए राघव चड्ढा जी की डिटैचमेंट रेटिना की है या आम आदमी पार्टी से डिटैचमेंट होने जा रही है।